अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर लेते हैं कि दांतों की सफाई, जिसको हम स्केलिंग कहते हैं अपने मेडिकल टर्म्स में, क्या उसके बारे में हमारी कोई गलत फहमी है? क्या दांतों की सफाई करवाने से हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं या स्केलिंग हमारे दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ा देती है? जब हम खाना खाते हैं और सही से ब्रश नहीं कर पाते या बहुत सारी जगहों पर काफी अर्से से ब्रश हो नहीं रहा होता, तो क्या होता है, हमारे में जो नेचुरल बैक्टीरिया होते हैं वो आके उस खाने पे फीड करना शुरू कर देते हैं और एक स्लाइमी सी लेयर बनाते हैं दांतों पे, जिसको हम कहते हैं प्लाक। डे बाय डे इस प्लाक में मजीद बैक्टीरिया ऐड होते रहते हैं और वो आपके दांतों पे एक हार्ड लेयर बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं कैलकुलस, जो कि ऐसे लगता है कि दांतों पे पत्थर जमे हुए। आपका दांत आपकी हड्डी में पड़ा हुआ होता है और मसूड़े ने कपड़े की तरह दांत और हड्डी को लपेटा हुआ होता है। जैसे ये प्लाक आपके दांत पर जमना शुरू होता है तो आपका मसूड़ा सूख जाता है, सुर्ख हो जाता है और ब्रश करने पर आपको खून आता है और ये कैलकुलस आपकी हड्डी को आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेकर जा रहा है। तो अगर हम सफाई नहीं कराते हैं तो क्या होगा उसे? सबसे पहले एक तो ये कि आपके दांतों की हड्डी नीचे जा रही है, दूसरा ये कि वो कैलकुलस इस हद तक आपकी हड्डी को खत्म कर देता है कि कल को हम ना उस पर कोई इम्प्लांट, ना कोई ब्रश, कोई और प्रोसीजर नहीं दे सकते। आप दो दफा ब्रश करते हैं, आप फ्लॉस करते हैं, आप अपने दांतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन आपने साल में दो दफा अपने डेंटिस्ट के पास जाके इवैल्यूएट करवाना है कि क्या ये आपके दांतों पे प्लाक और कैलकुलस तो नहीं जम गया और आपने उसको क्लीन करवाना है। जितना जल्दी आप इसको क्लीन करवाएंगे आपका एक्सपीरियंस उतना बेहतर होगा, आपके दांतों में से उतनी कम ब्लीडिंग होगी, मसूड़े उतने कम सूजे हुए होंगे और आपका ओवरऑल डेंटल एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि दांतों की सफाई होती किस तरह से है। जब कोई पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उसकी फुल माउथ एक्सरेज पिक्चर्स लेते हैं, उसको दिखाया जाता है कि हम इस कैलकुलस को उतार रहे हैं। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्केलर, उसमें से पानी और वाइब्रेशंस निकलती हैं जो कि आपके दांत पे लगे हुए कैलकुलस को उतारती हैं। स्केलिंग का सारा प्रोसेस बहुत पेनलेस होता है। माउथ इज अ गेटवे टू द बॉडी। हम सांस ले रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हर चीज यहीं से अंदर जा रही है एंड अनफॉर्चुनेटली इट इज द मोस्ट निगलेक्टेड पार्ट। पाकिस्तान में इस चीज़ की अवेयरनेस पैदा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारी जो मुंह की सेहत है वो डायरेक्टली लिंक है हमारी बॉडी की सेहत के साथ। अमेरिका में ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस हुई जिसमें पता चला है कि अगर आपके मुंह में किसी किस्म के गम इन्फेक्शन, गम डिजीज चल रही है, तो उस केस में हार्ट अटैक होने के चांसेस 200 टाइम्स बढ़ जाते हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ऐसी बीमारियों के रिस्क फैक्टर्स भी बढ़ जाते हैं इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ गम डिजीज इन योर माउथ। इससे पहले कि आपके दांत अनसेवेबल हो जाएं या उस पॉइंट पे पहुंच जाएं कि वो हिलना शुरू हो जाए, आपने डेंटिस्ट के पास जाना है और इवैल्यूएट करवाना है कि आपके मुंह में कैलकुलस तो नहीं है, और अगर है तो आपने उसकी क्लीनिंग करवानी है। अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।